आपका क्या क्वेश्चन है मैम? आप पहले तो अपने आप को अनम्यूट करो। नमस्कार सर। सर जो आज आपने टॉपिक डाला ना कि फिफ्थ हाउस में शनि हो तो उसको अपना मकान नहीं बनाना चाहिए, उसके सर क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? थोड़ा क्लियर थोड़ा सा बता दो, नॉलेज नहीं है ज्योतिष की। मैं क्यों गए दिखा सकता हूँ शनि जब फिफ्थ हाउस में होता है ना, चाहे गोचर में आ जाए, उस समय हमें मकान नहीं बनाना चाहिए, उससे हमें दिक्कतें आएंगी, ठीक है ना? किस तरह की दिक्कत आ सकती है? जैसे उस मकान में हरदम वास्तु दोष रहेगा ही रहेगा, वो जो मकान आपका अच्छा धीरे धीरे बनता बनता वो नहीं बन पाएगा, उसमें अच्छा अड़चने आई जाएंगी, कभी मजदूर को चोट लग गई, किसी भी तरह की किसी भी प्रकार की आएंगी। जैसे मान के चलो अच्छा अगर लेबर भाग जाना, लेबर को चोट लग जाना, अगर शनि फिफ्थ हाउस में ऐसी अच्छा प्रॉब्लम आपको आएंगी आएंगी, तो उस समय आप कभी गोचर में भी आए ना, तब भी आपको मकान नहीं बनाना चाहिए। शनि क्या है, जो भी काम आपका डिले डिले स्लो स्लो करता रहेगा, ज्यादा ठीक है ना, उसका कारण जब फिफ्थ हाउस में शनि आए तो हमें नहीं करना चाहिए। अगर कन्या लग्न की कुंडली है तो फिर बना लेना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शनि उसका खुद का मालिक है। तो कोशिश करो भी जब शनि गोचर में भी आपके फिफ्थ हाउस में आए तो तब मकान मत बनाओ। अच्छा। हाँ जी मैम, साक्षी मैम बोलिए। जय श्री कृष्णा। सबको उनके वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा सा सुजेशन दे दीजिए। उनके घर में दो या तीन लोग, पहले उनकी मदर इन लॉ को, फिर उनकी बहू को, फिर उनकी फैमिली में किसी और को ब्रेन प्रॉब्लम है, जैसे माइग्रेन, क्लॉट्स और ये प्रॉब्लम चल रही है। तो मेन इसमें हम क्या, कौन सी दिशा में, नॉर्थ ईस्ट को देख के चलें, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कि कैसे वी हैव टू सॉर्ट आउट। अगर ब्रेन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है ना, तो पहले आप उसका जी नॉर्थ ईस्ट में देखो, स्टेयर तो नहीं है यस ओके, ओके पहले स्टेयर देखोगे, और उसके बाद जी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में क्या है, और उसके बाद जी ईस्ट साउथ ईस्ट में क्या है, इन दोनों तीनों ओके जोन का आप ट्रेंगल बनाओगे, तो ट्रेंगल में जी देखोगे कि वहां पर क्या है, जी तो बस उसको आप देखो सेटअप करके तीनों जोन में क्या है। जी इन तीनों जोन जो कारक है ना ब्रेन हेमरेज को जी देते हैं, एक नॉर्थ ईस्ट, ओके नॉर्थ ईस्ट अगर स्टेयर है तो वो देगा ही देगा, देगा ईस्ट नॉर्थ ही ईस्ट में देगा स्टेयर होगी, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जी में कुछ ना कुछ उनका बेडरूम होगा, या ईस्ट साउथ जी ईस्ट में बेडरूम होगा, उसकी वजह से उनको ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम आएगी आएगी। कभी भी वास्तु का एक जोन काम करता ही नहीं, जब भी वो जी काम करता है वो ट्रेंगल बनाकर ही काम करता है, कभी भी एक जोन नहीं काम ओके करेगा। जी इट मींस कि तीनों जोन चेक करें, है ना? हाँ, इन तीनों जोनों को आप चेक करोगे फिर जाकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके तो इसके साथ साथ मेन, अगर उनके घर के जो मेन पर्सन है उनकी कुंडली की दशा भी मेन महत्व रखेगी। वो फर्स्ट प्रेफर है, वो फर्स्ट या प्रेफर है कुंडली में। मान के चलो अगर बुध 12वें घर में आ गया जी तब ये प्रॉब्लम आएंगी आएंगी। जी हाँ, बुध 12वें घर में आ गया, गुरु आ गया, तो ये अगर उसका गुरु एंटी प्लैनेट हुआ 12th हाउस का, तो उसको दिक्कत जी आएंगी आएंगी। और बताइए। चलिए थैंक यू सो मच कि आज था कि टाइम 5-10 मिनट आपके साथ जुड़ने का, कि आपसे ज्ञान अर्जित हो जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि तीनों जोन मन डिप्रेशन के हैं, नॉर्थ ईस्ट दिमाग का है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जी डिप्रेशन का, ईस्ट साउथ ईस्ट उसका दिमाग को घुमाने वाला, इन तीनों जोन घुमाने में वाला कभी भी एक जोन काम करता ही नहीं, जितना मर्जी जी प्रॉब्लम करो, कभी भी अगर मान के चलो बेटे की या जी बच्ची की शादी करनी हो हाँ तो जी पहले हम नॉर्थ वेस्ट देखेंगे रिश्ता उसका करने के लिए, करने के लिए यस फिर उसके लिए ईस्ट को देखेंगे उसके साथ जुड़ाव करने के लिए, फिर जी साउथ वेस्ट को देखेंगे सिरे उसको सेटअप करने के लिए, उनके साथ रिलेशन बनाने के लिए। कभी भी सिंगल जोन काम जी नहीं करेगा, कभी भी कोई भी जोन काम करेगा ना तो हमेशा ट्रेंगल जी बनाकर ही काम करेगा। जैसे हम कुंडली में 1-5-9 को देखते हैं, 4-8-12 को देखते हैं, वास्तु में भी आप इसी को ही देखो। इट मीन्स कि 6-8-12 मेन उनका रह गया कुंडली में इस टाइम, हाँ क्योंकि ब्रेन की प्रॉब्लम चल रही है, तो नॉर्थ ईस्ट और जैसे आपने वेस्ट नॉर्थ एंड वेस्ट अपना वेस्ट वेस्ट इसका वेस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट का वेस्ट भी बोल दिया, तो मतलब मेन उनका ये तीनों हाउस और ये तीनों दिशाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तीनों जोनों को
को आप काउंट करोगे तब उसको ये प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके थैंक यू सो मच विपन जी सॉर्ट आउट करने के लिए। बाकी 5 के बाद आपसे मिलके एक बार ग्रीन नक्शा आपसे डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्णा। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन हो, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित हो चाहे वो वास्तु से संबंधित हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। किसी का भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप अगर आप जितना आप स्टॉप कर बैठे होंगे मैंने तो क्लास बंद ही कर देनी है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट में पूछ सकते हो। सर मैंने पूछना सर। बोलिए बोलिए सर मेरा। हेलो बोलिए बोलिए। हाँ जी बोलो। बोलिए बोलिए आप कहाँ से। हेलो हाँ जी हाँ, मेरा ना डेट ऑफ बर्थ 2/2/56 है। मैम आप कहाँ से। हेलो प्रॉब्लम क्या है। मैं ना अपना मोबाइल नंबर मतलब चेंज करना चाहती हूँ। मैं भी सीख रही लेकिन अपनी नॉलेज अभी भी मैं सीख रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैंने नंबर ये वाला दिया है, क्या ये नंबर ठीक रहेगा मेरे लिए। 9513199177 डेट ऑफ तो मेरी 2/2/56 है। पहले तो कसम तो खा ली आपने, बात सुननी नहीं हमारी। हाँ जी आपने हमारी बात नहीं सुनोगे आप। हाँ जी बता। हाँ जी सुनोगे जरूर जरूर। हाँ जी प्रॉब्लम क्या है ये बता। मेरा ना मतलब नंबर मुझे ठीक नहीं लग रहा, जैसे मैंने अपनी कैलकुलेशन करी है ना तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने ये वाला नंबर लिया है शॉप वाले से, तो क्या ये ठीक है या नहीं इसको चेक आउट। मैं उसको चेंज कर दो। हाँ जी सीखा है तो चेंज कर दो। हाँ जी ये तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये नंबर ठीक रहेगा आप चेक कर दो मेरे को। ये नंबर 9513199157। क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया ना तो मुझे अभी थोड़ा इतनी नॉलेज तो है नहीं है, तो मैं इसलिए आपसे पूछना चाहती हूँ। मैडम आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहे। प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ ना तो नंबर मुझे ठीक नहीं लग रहा। 15 साल का है, पढ़ाई वढ़ाई एकदम नहीं करता है, मार पीट करता है हमेशा, घर में गाली गलौज करता है, और हम मैं सर्विस करती हूँ दूर रहती हूँ, लग्न का मंगल है उसका, मेष लग्न की कुंडली है, तो थोड़ा चाहते हैं कि शांति से पढ़ाई करे बस। अभी आपके साउथ डायरेक्शन में क्या पड़ा जी। आपके साउथ डायरेक्शन में क्या पड़ा मेरे घर के साउथ, वहाँ गार्डन है, गार्डन घर में और कुछ नहीं है। उत्तर साइड में घर बना हुआ है, दक्षिण साइड में गार्डन है। और क्या है दक्षिण में। आगे गार्डन है पीछे घर है। विंडो है, विंडो बनी हुई है। हाँ विंडो है। उस विंडो को बंद कर दो, जो आपका बेटा है वो लड़ना बंद कर देगा, लड़ाई बंद कर देगा, और आपकी जो प्रॉब्लम है ना पढ़ने की वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो वो विंडो बंद ही रहती है क्योंकि घर में मैं बहुत दूर रहती हूँ ना, बिहार में वो दूसरे जगह रहते हैं, मैं दूसरे जगह रहती हूँ। आपको कैसे पता है लड़ाई मार कुटाई कर रहा है उनकी। जहाँ पर बेटा रहता है, मैडम मेरी बात सुनो, जहाँ पर बेटा रहता है वहाँ की विंडो तो बंद करनी ही पड़ेगी ना। हाँ तो वो विंडो बंद रहती है मतलब खिड़की बंद खुली नहीं रहती है। अभी दिखा सकते हो मेरे को। नहीं मैं दूसरी जगह रहती हूँ। आपने कैसे एक्सक्यूज कर दिया कि बंद रहती है। मेरा ससुराल वहाँ है तो मैं जाती हूँ, तो वो घर पे कोई नहीं रहता है ना, मेरा बेटा ही रहता है सिर्फ, तो उसको बंद करके मैं आती हूँ। हाँ मैडम ऐसा करिए आप मेरे को फोटो जब आप वहाँ पर गए हो ना तो आप मेरे को। जी ठीक है। जी 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 ठीक है। और ये जो लग्न में मंगल है तो क्या इसी तरह करता है करेगा क्या। पहली बात तो बेटा मंगलिक है ठीक है, तो गुस्सा जिसके लग्न जी तो गुस्सा वो करेगा करेगा।
उसके साउथ वेस्टर्न में देखो क्या है, उसमें क्या पड़ा है, उसको आपको सेटअप करना ही पड़ेगा, परमानेंट हल ये है। अच्छा अच्छा ओ अच्छा अच्छा तो खिड़की क्या? हाँ जी गणेश जी बोलिए। हाँ जी गणेश जी बोलिए, गणेश विश्वकर्मा जी बोलिए। सर जी मेरा नहीं, वो क्या होते सारे बिगड़ जाते हैं। क्या सर? सर मेरे कोई काम पूरे नहीं हो रहे हैं, कोई ना कोई अड़चन बाधाएं आ जाती हैं। वो कैसे आ जाती हैं, क्या काम करते हो? सर कोई भी, सर मैं आर्किटेक्ट हूँ प्लस रियल एस्टेट का काम करता हूँ। तो आपकी वेस्ट डायरेक्शन में क्या पड़ा है? जी आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन में क्या है? सर जी किचन है और बाथरूम भी, टॉयलेट बना हुआ है जीने के नीचे। उसको ब्लॉक कर दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसको, बाथरूम को कि किचन को? बाथरूम को कर दो, किचन के स्लैब जो कलर है उसको येलो कलर का कर दो, जहाँ पर आपके चूल्हा है। अच्छा उसको आप येलो कलर का, और जो जी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सर जो जीने के नीचे टॉयलेट बना हुआ है सर, उसको ब्लॉक करना पड़ेगा ना वाइट टेप के साथ। आपको बीपी की गोली भी लगी हुई किसी? सर टेप, आपके घर में बीपी की गोली भी लगी हुई? जी किसको लगी? जी जी मुझे 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 आपको लगी हुई है। चलो आप ऐसा जी तो उस टॉयलेट को वाइट टेप के साथ ब्लॉक कर दो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगी। और सर कोई काम होता नहीं, कोई ना कोई बीमार बना रहता है घर पे। सर उसे आप सेटअप कर दो ना, एक जो अपनी आपकी किचन है उसे आप येलो जी, हाँ चूल्हे के नीचे येलो कलर का वो लगा दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए, और उसके बाद हम क्लास को स्टॉप करेंगे। हाँ जी अम्मी जी बोलिए। नमस्कार सर। सर जैसे अभी नया घर लेना हो तो कैसे पता करें किस दिशा का लेना चाहिए या किस दिशा में देखें हम? जैसे अभी जैसे मेरे जानकार हैं उन्होंने मकान बेच दिया, तो अब वो नया घर लेना चाह रहे हैं, तो जैसे आपने बताया था ना नॉर्थ वेस्ट में कागज रख दीजिए और तो बिक जाता है, तो वो हो गया काम उनका, तो अब जैसे नया मकान खरीदना है तो वो जैसे उसके लिए क्या करें? फिर तो हमें बाल्टी देनी चाहिए आपको। सर आपकी आपकी ब्लेसिंग अगर पहले बिकने की पार्टी देनी चाहिए, बिक गया है तो फिर बनाने के लिए चलो बाद में आएंगे, पहले बिकने की पार्टी तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जयपुर आ रहे हैं ना सर? जयपुर आना है, 4 तारीख को आना। सर अजमेर आएंगे या जयपुर आएंगे? जयपुर अजमेर में डिस्टेंस काफी है, 150 किलोमीटर का अंतर है। जयपुर से हो? हाँ जी सर जयपुर। बस आना ही है, बस मैं 2 तारीख को जयपुर में आऊंगा, 2 तारीख में पुष्कर में, 3 तारीख को मैं अजमेर में हूँ, 4 को भी अजमेर हूँ। एक पास में एक गांव है किशनगढ़, किशनगढ़ है ना कृष्णा सर, वो अजमेर के पास ही है सर, अजमेर किशनगढ़ सर। सर जयपुर सर मेन क्या सर, जयपुर में जहाँ पे भी हूँ सर वहाँ आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा मिलने सर, आपसे मिलना है सर। आ जाऊंगा जयपुर में आना है, मैं बता दूंगा कितने बजे आऊंगा, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा। बस 4 तारीख को मैं जयपुर में आऊंगा। जयपुर हाँ सर, आप जयपुर में जब भी आए सर आप मुझे लोकेशन सेंड कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा सर आपके लिए। एक मेरी विजिट किशनगढ़ में है और उसकी दूसरी विजिट मेरी जयपुर में है, तो जयपुर में हाँ तो आना ही आना है। जयपुर में मेरा क्लाइंट है, उनसे मिलने आना है मुझे। सर बताइएगा जरूर, मैं मिलने आऊंगा सर आप। बस ठीक है सर, 4 तारीख को हम आएंगे, फाइनल है। तो बोलिए क्वेश्चन बताइए। सर वो जैसे अभी नया मकान जैसे लेना हो तो अब अपन जैसे किस दिशा में देखें या कुंडली के हिसाब से कैसे देख सकते हैं या जैसे कुंडली का ना अष्टवर्ग मैंने बनाओ उसका। हाँ सर, तो अष्टवर्ग से आपको मैंने अपनी वीडियो बनी हुई है तो वो भेज। हाँ सर वो बताया हुआ सर, आपने बताया हुआ सर वो। हाँ तो उससे देख दो उसको कौन सी दिशा बेस्ट रहेगी। अच्छा उस दिशा का अपन मकान देख सकते हैं, उस दिशा का मकान उसको फाइनलाइज कर दो उसको। यहाँ जैसे फिलहाल जैसे आप जिस घर से रह रहे हैं उस दिशा में देखें या पर्टिकुलर जो दिशा आएगी उस दिशा का मुंह वाला मकान देखें? सर देखो कुंडली के हिसाब से लोगे तो वो दिशा बेस्ट करेगी ही करेगी, आपको बढ़िया रहेगी। ओनर की कुंडली के हिसाब से होगा ना सर? सर ओनर
ऑनर की कुंडली के हिसाब से ही देखोगे आप। भाई जैसे बच्चों के साथ, बच्चों का थोड़ा ना देखना पड़ेगा, जैसे कोई बच्चे शादी लायक है तो उनके हिसाब से देखते हैं यार। अगर बच्चे कमाते हैं तो बच्चों के लायक से देखो, अगर फादर साहब बच्चे छोटे हैं तो फिर नहीं देखना चाहिए। भाई रिसेंटली स्टार्ट करा सर उन्होंने, बच्चों ने कमाना सर अभी, जैसे शादी भी, जो बड़ा बेटा है या जो छोटा बेटा है, दोनों में से जिसकी मर्जी कुंडली देख कर उसे फाइनल कर दो, और उसके बाद उनकी कुंडली देख कर जो उनके लिए रूम सजेस्ट करेगा दोनों को प्रेफर कर दो, बात खत्म। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए, और उसके बाद हम क्लास को स्टॉप करने वाले हैं। किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए। हाँ जी विनोद जी बोलिए। विनोद गोस्वामी जी। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। सर एक क्वेश्चन था, लास्ट में आपने बताया था वो आप और आप नष्ट जो देवता है जहाँ पे एलोवेरा का पेड़ रखने से वो ठीक हो जाता है, तो क्या उसी सीड में एकदम ईशान कोण पे भी रख सकते हैं सिखी के पास, या फिर वहीं रखना पड़ेगा? आप उस देवता के पास ही रखना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर वो रूम के दरवाजे के पास आता है वो एंगल, तो वहां पे रखना है सर? एक छोटा सा पौधा, एक छोटा सा उसको काट कर भी रखना। ठीक है सर, मतलब वो सिखी आप और आमदस्त के, ऐसा नहीं है कि वहां पर गमले पर रखेंगे, और एक छोटा सा एलोवेरा छोटा सा पीस भी काट कर आप रख दो, दो तीन बूंदे भी आप करा दो, जब डॉक्टर के पास आपने जाना है तो पांच सात बूंदे उसकी वहां पर एलोवेरा की करा दो, तो आप अभी आपका काम हो जाता है। ठीक है सर, और सुनो आपकी जॉब ठीक चल रही है? बहुत अच्छा सर, मतलब क्या बताऊं। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपने चेंज कर दिया सब कुछ लाइफ। मैं नहीं चेंज करने, कैसे बदल दिया आपने सर? सर वो परमात्मा है, चेंज करने वाला वो परमात्मा है, आदमी के हाथ में कुछ नहीं होता। जब आपका समय है बढ़िया, आपके और एक सर नॉर्थ ईस्ट में जो आपने बोला था लाल चंदन छिड़कने के लिए वहाँ पे बाथरूम है, तो वो हमेशा करना है एवरी डे या वीकली करने से भी होगा? सर मैंने साउथ ईस्ट का बोला, साउथ नॉर्थ ईस्ट का जी, साउथ ईस्ट का ही सर, साउथ ईस्ट का ही। वो चंदन छिड़कना अगर बाथरूम हो तो एक दिन या हर वीक ऐसा कुछ करना है? छोटा सा पॉलिथीन में डाल दो तब भी काम हो जाएगा। ठीक, बस सर इतना ही पूछना, थैंक यू सो मच सर। और किसी का भी क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए। सर शुगर के बारे में बताओ कुछ सर। शुगर के बारे में सर, शुगर के बारे में कुछ बता सकते हो सर? बताया था शुगर के बारे में उसे, सर थोड़ा डिटेल में बताओ ना सर। क्या डिटेल में, शुगर बंद करनी है कि चलानी है? कम करनी है सर। तो मैंने बताया तो था सर, साउथ ईस्ट में आप जितना मीठा बोलोगे उतनी शुगर होगी सर। वहां पर गेहूं पड़े सर, क्या करें, स्टोर में पड़े सर गेहूं सर, वो उसको उठा दीजिए ना सर। फिर सर स्टोर रूम है सर वहाँ पर, तो सर है तो फिर उठाना तो पड़ेगा ना, गेहूं को वहां से उठा दो। अगर साउथ ईस्ट अच्छा सर आपको शुगर हो रही है तो वहां से आपको गेहूं उठाना ही पड़ेगा। ठीक है सर, और कोई कुछ? बस यही चीज है और क्या है सर। मैंने इस अच्छा चीज करने में 15 साल लगा दिए और आप बोलेगे सर और भी कुछ है? नहीं सर, ठीक है सर, थैंक यू। चलो और किसी का कोई क्वेश्चन हो, चाहे ज्योतिष से संबंधित हो चाहे वास्तु से संबंधित हो, तो आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट में पूछ सकते हो। लास्ट क्लास सर इतना बढ़िया था ना सर, लास्ट क्लास इतना इन्फॉर्मेटिव था कि मैं बता नहीं सकता। बहुत, मैं सबसे यही कहूंगा कि लास्ट क्लास का वीडियो लोग जरूर सुने एक बार। थैंक यू सर। लास्ट क्लास वाली जो वीडियो थी ना सर, वो इतना इन्फॉर्मेटिव था कि अगर लोग सुनेंगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा उस वीडियो में से। मैं कहूंगा कि सब लोग बार यूट्यूब पे जरूर देखें और लाइक करें उसको, बहुत अच्छा वीडियो था सर। थैंक यू सो मच सर, बस इतना ही कहना था। सर वीडियो तो अभी तो मेरे को ना ये मैसेज आने लग पड़े हैं, सर आप वीडियो 1 घंटे की मत डालो, 1.5 घंटे की वीडियो मत डालो। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, नहीं नहीं वो बिल्कुल मत करिएगा सर, गलत बात है। आप बिल्कुल जो डाल रहे सर वही डालिए, बिल्कुल सही कर रहे सर, एक एक चीज आनी चाहिए। क्वेश्चन के साथ आपके जो आंसर है बहुत अच्छे हैं सर। विनोद भाई, कौन सी ऐसी वीडियो है जो इन्फॉर्मेटिव नहीं होती, ये बताओ पहले तो। मैंने ये कहा लास्ट वाली बहुत अच्छी थी, लास्ट वाली मैंने कहा बहुत अच्छी थी, मैंने उसको 2-3 बार सुना, उसमें ऐसी कुछ बातें थी जो बहुत
बहुत इंटरेस्टिंग थी, कई वीडियो के उसमें मतलब समरी थी, बहुत अच्छा। सर सूर्य करी क्लास, सर मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर। सर ऐसा था ना, एक ना सोशल स्टडी की स्टूडेंट टीचर थी, वो कहती थी ना जब भी मैं फिफ्थ क्लास को, कहती 15 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो जब भी मैं पढ़ाती थी ना तब मुझे इसमें हर बार कुछ नई चीज मिलती थी। तो जब भी आप वीडियो सुनोगे ना, एक वीडियो को 5 बार 4 बार 6 बार सुनोगे ना, तो हर बात आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस, वही चीज को सुनोगे ना तो डिफरेंस को सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। उसी वीडियो को आप 10 बार सुनो, 4 बार सुनो, 5 बार सुनो, हर बार आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलो और किसी का भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बोलिए, और उसको हम आज क्लास को हम स्टॉप करेंगे। अगर किसी का भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बोलिए, मुझे बार बार कहने का मौका ना दीजिए। श्याम सुंदर जी, हरबंस सिंह जी, सुनीता चौराहे, हाँ जी श्याम सुंदर जी बोलिए। सर आप अपने आप अनम्यूट करो, अनम्यूट करो सर। हाँ जी सुनीता मैम बोलिए। हाँ जी सर, वो साउथ में ओटीएस बना सकते हैं? नो सर, अगर साउथ में आप ओटीएस बनाते हो तो आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। तो किस साइड में? अगर ओटीएस बनाना है ईस्ट में बना लो आप, नॉर्थ में सारी डायरेक्शन पड़ी है ओटीएस बनाने के लिए। ठीक है, जब भी आपको रोशनी लेनी है नॉर्थ से ले लो, ईस्ट से ले लो, साउथ से लोगे तो आपको कर्जों की दिक्कत आएगी। अगर वेस्ट से रोशनी लोगे तो आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनको लाइफ में प्रॉब्लम आती ही रहेगी, वो किसी भी तरह की हो, जॉब को लेकर, करियर को लेकर, मैरिज को लेकर, आपको सेविंग को लेकर। तो जब भी आप अपना नया घर बनाओ तो साउथ में और ईस्ट मत रखो और ना ही वेस्ट में रखो। ओके सर, थैंक यू। और किसी का बहुत सिंपल सर, तुलसी का पेड़ एक बार और बता दी सर, किधर रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए बता दी सर। तुलसी का पेड़ रखना आपने, रखना भी क्यों, मुझे ये बताओ पहले। नहीं रखना चाहिए कि नहीं, आपको पता है तुलसी कितनी शुभ होती है, पता है आपको? जी, पर सही जगह ना हो तो शायद गलत भी हो जाता। अगर रखना है तो घर में ब्रह्म स्थान के ऊपर तुलसी का पौधा लगा लो, अदरवाइज मत। जी, क्योंकि जब पहले हम साउथ की पिक्चर देखते थे तो उनके घर में वो साइड में बीच में वो पड़ा होता था ना, आंगन में होता था सर, आंगन में होता, आंगन ओपन होता था, ओपन होता था। हाँ, तो उसके हिसाब से अगर वहां पर रखना है तो रख लो, अदरवाइज मत रखो यार। हमें इतने सूक्ष्म, हम घर में, मैं तो सोचता हूँ घर में मंदिर भी नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल सर, मंदिर तो नहीं रखना चाहिए। हाँ, हम इतनी सूक्ष्म नहीं रख सकते, ठीक है ना जी। कोशिश करो कि मत बनाओ, लोग बना रहे हैं आज में, आजकल आर्किटेक्ट भी दे रहे हैं, पूजा रूम दे दो, वो दे दो, वो दो, मत बनाओ, वो दिक्कतें आपको ही आएंगी, आपकी लाइफ में दिक्कतें तो आएंगी आएंगी। और किसी का प्लीज बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि मैंने अभी नया घर बनाया है तो वे ईस्ट डायरेक्शन का है, तो आगे पीछे मैं 4-4 फीट छोड़ कर बनाई हूँ, तो ये सही है क्या? बढ़िया है। और वेस्ट में हमने सीढ़ी बनाया है। बढ़िया है। थैंक यू। और किसी का भी क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए, नहीं है क्वेश्चन तो आप आज की क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप कर दूंगा। आजकल ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं सर। आपका कौन सा चैनल है? मैडम विमान वास्तु पाठशाला है, आप देख लें जहाँ से आपको लिंक आया। ग्रुप में लिंक तो आता रहता है, आप उस पर क्लिक करके देख सकती हैं, जैसे आपने लिंक को खोला वैसे ही देख सकती हैं। ओके, अथेरे दत्ता जी आपको भी क्वेश्चन हो सर। अथेरे दत्ता जी, अनीता सरदाना जी, सुमन कथारी जी, चंद्ररेखा मैम, हरबंस सिंह जी, आपका किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर क्वेश्चन तो ऐसा है कि मैंने तो आपसे वैसी बात करनी थी तो इसलिए मैंने ग्रुप को ज्वाइन किया कि शायद इसके बाद आपसे बात हो जाए। हाँ जी, आज मैं बोलिए। हाँ, तो कल से जो है सभी की कंसल्टेंसी है,
कम से कम 100-125 के बीच होंगी कंसल्टेंसी। मुझे वो 1 तारीख से पहले बोले मुझे वो ख़त्म करनी है, तो मैं उसको ख़त्म करके ही फिर मैं 5 तारीख को मेरी वापसी है। ओके सर, हाँ अगर इतनी कंसल्टेंसी तो मेरे को सेटिस्फैक्टरी मतलब वो चाहिए रिस्पॉन्स, ऐसे ना कि जैसे आप कह रहे हैं भी 100-125 की कंसल्टेंसीज हैं। 4 दिन पड़े मेरे पास। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। ऐसा नहीं होता कि आप बैठोगे आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने कंसल्टेंसी ली है उनको पता है, ये सुनील सरदाना जी बैठे हैं इनको भी पता है। ओके सर, जिन्होंने ली है कंसल्टेंसी उन्हें पता है, तो ठीक है मैम। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए। हाँ जी सुनीता मैम बोलिए, कुछ पूछना चाहते थे? सुनीता चुनैया जी बोलिए, अब तो आप भी काम करने लग पड़े हो। नहीं सर, काम कहाँ चल रहा है, चल ही नहीं रहा कुछ भी। क्यों, क्या हो गया सर? कोई नहीं पूछता है, मेरा घर का खुद का ही वास्तु खराब है, क्या करें। ठीक करिए, छोटा घर है ना, ठीक नहीं होता है, कहाँ सामान रखें कहाँ नहीं रखें, वही है छोटा सा घर है ना। तो नॉर्थ में छोटा सा छेद कर दो, काम तो आए। क्या हो गया सर? हेल्थ भी बहुत खराब है और वेल पैसे की भी दिक्कत है। तो नॉर्थ में छोटा सा छेद कर दो ना फिर, कम से कम काम तो आए ना आपको। ठीक है सर, ठीक है ना, नॉर्थ में छोटा सा छेद कर दो, बिजनेस में आपको काम तो आए ना, यार उसका क्या फायदा, बीमारी आ जा रही है काम आने का। पाँव बहुत दुखते हैं। क्या? पाँव बहुत दुखते हैं, नी पेन। आपने वास्तु का कोर्स किया, अभी भी दुखते हैं, तो आपको पता ही है काम पर क्या प्रॉब्लम, उसको सेटअप कर लो। वही है ना, छोटा घर है, कहाँ सामान रखें कहाँ नहीं रखें, ये तो बड़ा दर्श आपको ही करना पड़ेगा। हाँ जी, श्याम सुंदर जी कुछ पूछना चाहते हो? थैंक यू सर। चलो, और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो अभी स्टॉप करेंगे हम क्लास को आज। चलो बढ़िया है, किसी का क्वेश्चन ना भी हो तो मुझे ऐसे लगता है कि किसी का क्वेश्चन हो तो मैं पर सर जल्दी जल्दी क्लास रखिएगा सर, वेट करते हैं, लास्ट वाला क्लास छूट गया तो। सर वेट तो करते हैं सर, जब किसी का भी देखो सभी बैठे हैं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, सभी ने कैमरे बंद कर रखे हैं। ये राजकुमार गलोह जी हो गया, सुमन कोठारी जी हो गया, हरबल सिंह जी हो गया, चंद्ररेखा जी हो गया, अभी गणेश जी गर्ग जी आ गए हैं हमारे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरी कोशिश होती है कि मेरा क्वेश्चन रहे ना, अपना ख्याल रखिएगा सर। नमस्कार, थैंक यू, नमस्ते।